मैम राइट में, राइट राइट में काम्या जी, राइट में काम्या जी, राइट सर, राइट राइट। अरे रवि यार सर, आप मोबाइल में किशन इधर पे विजुअल के लिए फुल खड़ा कर। पक्कू विजुअल ला तिथे घेऊया आपण, इधर आएंगे ना, इधर ले गए क्या कहना है, विजुअल लेना है कुछ। ये देखो, ये तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, मैं बूट्स पहना हूं। ये लो देखो मेरे बूट्स। चलो सारे साथ में, हाँ तबा हमें बोल दिया। हमें ध्यान है ठीक है। चलो रेडी, मैं क्या कहूँ, मैं हमारी पार्टियाँ चल रही है, हमारे फंक्शंस चल रहे हैं पिछले कुछ 5 दिनों से, और पार्टी ही चले जा रही है और शुभकामनाएं मिले जा रही है, बहुत सारे इतनी सारे बेस्ट विशेज आ रहे हैं, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे लोग रोज़ मुझे मिल रहे हैं मेरे हर एक फंक्शन के बाद, तो अलग फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है और मज़ा आ रहा है। और आज यहाँ बहुत सारा धमाल करेंगे, कल दिल्ली जाएंगे और परसों वहाँ पार्टी करेंगे, तो ये सिलसिला चल रहा है। मुझे दुनियादारी की अभी कोई खबर नहीं है, मुझे अपना पता है मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं उसी में खुश हूँ और वही एंजॉय करना चाहती हूँ फिलहाल। तो सेलिब्रेशन तो एक साल पहले से शुरू हो गया था जब हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे, और इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, एंड फाइनली इट हैज हैपेंड, सो सेलिब्रेशन अब रोज होगा। हाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ़ोटोज़ मैं खुद अपलोड करूँगी और मैं खुद पहली बार मैं खुद पोस्ट करूँगी, लेकिन मेरी शादी के बाद जैसी जब फुर्सत मिली और मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी एंट्री से लेके फेरो, सिंदूर, मंगलसूत्र, जितनी भी सारी रस्में थी, पूरी शादी आउट हो चुकी थी, बाहर आ चुका था। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, इनफैक्ट ये जानकर खुशी हुई कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतने खुश हैं मेरी खुशी में। आप लोग हर बार ये सवाल करते हैं, मतलब मेरा वो स्टीरियोटाइपिकल सारे वही हो गए, बट यू नो
आज जब मैं इनको देख रहा था तैयार होते हुए, तो मैं सोच रहा था कि कहाँ तारीफ करूँ और कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। आई थिंक ओवरऑल जो इनका गेटअप है, चाहे मैं बालों की बात करूँ, चाहे मेकअप की बात करूँ, चाहे ड्रेस की बात करूँ, चाहे शूज़ की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो टुडे शी इज़ लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट। ऑब्वियसली येस्टरडे शी वाज़ लुकिंग द बेस्ट, बट आज कुछ बात अलग है। ऑलमोस्ट सारे मतलब जितने लोगों, आप सब जानते ही हैं मैंने किन किन लोगों के साथ काम किया है, सबकी शुभकामनाएँ आ रही है। और जो लोग आज नहीं आ पाएंगे, उन लोगों ने सबने मुझे पहले से ही मैसेज कर दिया है, जैसे रिद्धि डोगरा ने कर दिया है, गौहर ने बताया है कि वो नहीं है यहाँ पर, तो सब बहुत प्यार भेज रहे हैं, सब बहुत दुआएं भेज रहे हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, वो सारे आज इनवाइटेड है। जो नहीं आ पाएंगे उन्होंने पहले से बता दिया है, बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे ही आएंगे। देखो आज यहाँ पर बहुत टोटल धमाल वाली सेलिब्रेशन होने वाली है। दिल्ली जो है वहाँ पे थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड सी पार्टी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो ऑफिस की तरफ से पार्टी है। हाँ, तो मैं ऑफिस वाले फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ, तो और कुछ मेरे अपने दोस्त भी होंगे, तो वो थोड़ी पार्टी अलग होगी। वो अलग होगी, ये अलग है, ये अलग है। मैंने पहले से ही कहा था कि मैं मोस्टली मैं सारे लहंगे पहनना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि हर एक लहंगा एक दूसरे से अलग हो। आप लोगों ने पहले देखा, मैंने घरारा पहना था अपनी एंगेजमेंट में, उसके बाद मेहंदी का लहंगा अलग था, शादी का लहंगा अलग था, ये वाला लहंगा अलग है। सो आई एम होपिंग कि मैंने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, वो रंग लाई हो। इस लहंगे में मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न टच देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने बूट्स पहन लिए हैं इसके साथ, तो बस यही है। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत इनको कन्विंस किया है, क्योंकि ये इनका ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग है और हम ठहरे फिल्मी लोग। तो मुझे हम बना रही हैं, एक्चुअली मैंने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं, तो आई नॉर्मली वेयर सूट्स, तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये पहनूं। हाँ, तो हमने पहली बार देखा तो हमने सोचा शायद नहीं पहनूंगा मैं, बट पहना और फिर वी लाइक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप लोग खा कर जाइए, अब अलग अलग हो रहे हैं ना, साथ में करो। साथ में क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब शादी के बाद मतलब इनका जो प्रॉमिस थी वो पूरी हो गई है माशाल्लाह, और फंक्शन की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप इनको देखो तो मुझे बिना मेकअप के भी इधर डन हो जाएगा ना थोड़ा। जी कामया को बहुत बहुत मुबारक, यहीं खड़ी है अभी थोड़ी देर में उनसे बात करती हूँ, बहुत बहुत खुशियाँ। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है एक मॉडर्न इंडियन वुमन की, जो ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी का एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत खुशियाँ देना चाहती हूँ। जी ये एक बनारसी सिल्क साड़ी है जो कलकत्ता से आई है, कोलोरोसो ब्रांड की, और ब्लाउज भी कोलकाता से ही आया है, तो काफ़ी आज एक ट्रेडिशनल लुक पे मैं फोकस कर रही थी, बंगाली स्टाइल में साड़ी बांधी हुई है, सो आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल लुक टुनाइट। अगर आपको बिग बॉस से मैं याद हूँ तो आपको याद होगा मेरी बहुत सारी पियर्सिंग्स थी यहाँ पे। मेरे कोई दोस्त बिग बॉस का जवाब नहीं देंगे, मेरे कोई दोस्त बिग बॉस के बारे में बात नहीं करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। हाय प्रिया, कोई बिग बॉस के बारे में जवाब नहीं देगा, वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला, गॉड इज माय फेवरेट एज वेल। यस, तो एज यू कैन सी मेरी और काम्या की चॉइस से
कामया को बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। आई थिंक एक वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है मॉडर्न और ट्रेडिशन की साथ में होने की एक इंडियन औरत में, और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए दैट शी इज़ गॉट अ सेकेंड चांस एट लव एंड एट लाइफ, और शी इज़ अ लवली वुमन। मैं बहुत खुश हूँ कि आज उनकी खुशी में मैं भी शारिक हूँ। थैंक यू। आज मैं थोड़ा बंगाली ट्रेडिशनल लुक के लिए एम कर रही थी, तो ये साड़ी भी बनारसी सिल्क साड़ी है लेकिन कोलकाता से आई है, ब्लाउज़ भी कोलकाता से आया है, और ज्वेलरी वगैरह भी मैंने ट्रेडिशनल ही आज फोकस किया है। जी जी, अगर आपको बिग बॉस सीज़न 9 से मैं याद होंगी तो आपको याद होगा मेरी काफ़ी सारे पियर्सिंग्स और अजीबोगरीब बाल होते थे। बाल अजीबोगरीब चले गए, पियर्सिंग्स भी बहुत सारी निकाल दी, लेकिन ये दो नोज़ की पियर्सिंग्स मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक इट रियली एड्स अ लॉट ऑफ चार्म, एंड दीज आर टू पियर्सिंग्स दैट आई थिंक आई विल ऑलवेज कीप बिकॉज ट्रेडिशन के साथ साथ थोड़ा हट के भी लुक आते हैं। बिग बॉस एक ऐसा शो है कि मैं हर साल नाना करते हुए भी फॉलो कर ही लेती हूँ, इस बार भी फॉलो कर रही हूँ। थोड़ा दो तीन एपिसोड पीछे हूँ, लेकिन बहुत ही धमाकेदार सीज़न रहा है, बहुत ही मसालेदार सीज़न रहा है। अब तक का सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 महीने लंबा शो रहा है और काफ़ी एंटरटेनिंग है शो। आई एम ऑल्सो टीम सिद्धार्थ बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो टीम सना। बिग बॉस के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रियलिटी शो है और रियल चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं। सना भी बिल्कुल जो रियलिटी अपनी दिखाती है, अच्छा बुरा घटिया बहुत अच्छा बहुत हसीन हर रूप देखा है उनका, और आई थिंक वही एक रियलिटी शो की सबसे अच्छी पहचान है। और वो दोनों मुझे बहुत रियल लगते हैं, रियल कपल्स की तरह लड़ाइयाँ होती हैं, रियल कपल्स की तरह एक दूसरे से मान भी जाते हैं। जो चीज़ मुझे बाकी रश्मि आसिम और पारस में नहीं दिखाई देती। थैंक यू सो मच। हम शक्ति की पूरी टीम की तरफ से उन्हें शादी की शुभकामनाएं देते हैं, उनकी रियल लाइफ में हमेशा खुशियां रहे, उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी रहे। बाकी तो उन्होंने पूरी टीम को बांध के रखा है, अब अपनी फैमिली को बांध के रखें पूरी उम्र, यही शुभकामनाएं देते हैं। चार दिनों से छुट्टी पे हैं और अगले एक हफ्ते तक और छुट्टी पे रहने वाली हैं। नहीं इतना नहीं है, उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था तो सब मैनेज है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ, हमें करीब 3-4 महीने पहले पता लग गया था और बस उसके बाद से हम यही पूछते रहते थे कि डेट कब फिक्स होगी, कब फिक्स होगी, जल्दी से बताओ और हम लोग आए। एंड आई थिंक हमारी पूरी यूनिट, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे पूरी यूनिट सब लोग बहुत खुश हैं कामया की शादी को लेकर, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। यस, ये तो सीक्रेट है, वैसे दिखा देती हूँ। नहीं मतलब सारा कुछ पैक है, आई ब्रॉट दिस फॉर देम। अब ये तो अब वो लोग जब खोलेंगे तो देखेंगे क्या है। इधर आइए मैम, इधर आइए।
इधर अभी करो, अरे इधर 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 खुशी होती है दिल में दोस्त के लिए तो अपने आप ही हाथ पैर थिरकने लगते हैं। यस इट्स अ हैप्पी मोमेंट, तो हमें बहुत खुशी हुई जिस तरह का एंट्री मिला और हम तो हैं ही बिंदास, हम नाच रहे थे। थैंक यू थैंक यू। हम तो यही कहेंगे कि उनका आंचल खुशियों से भरा रहे, हमेशा वो इसी तरह से मुस्कुराती रहे और शलभ जो है उनको प्रिंसेस की तरह रखे। वेल आई जस्ट फील इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट शी हैज़ फाउंड हैप्पीनेस एंड पीस एंड आई विश देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लाइफ में सबकी यू नो सबका हक है खुशियों के लिए, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। थैंक यू। हाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑल या आई थिंक जब आप यहाँ से खुश हो इट जस्ट शोज। गाना भाई आप क्या डांस गाना करा दो। हम सिर्फ यही कहेंगे कि कामिया हमेशा खुश रहो, ऐसी ही मुस्कुराती रहो और मे यू ऑलवेज बी ब्लेस्ड। लाइक मैंने उनके सारे यू नो वीडियोज जो वायरल जा रहे हैं एज यू सेड इंस्टाग्राम पे मैंने देखे and she's never looked happier. Yes. Jitna glow maine unke face pe dekha, touch wood, very happy for her. Yeah. Thank you. Yeah, wo tohfa kahan gayab ho gaya? Mujhe itna bada tha bas side mein rakhna pada. Yes. Okay, outlook ke bare mein agar aapke outfit ke bare mein. outlook kya hota hai? outlook ke bare mein dekhiye hame bataya gaya ki party hai. Kya hua? Yeah. Sorry. So we are अरे तो गिफ्ट का क्या लेना सोविया हां सोविया बाबीज बाबीज लिखा है क्लियरली। सोविया हमारा लुक बिकॉज पार्टी बैरल मैंशन में है। अरे इसका क्या लेना देना भी आ गया। या आई नो व्हाट इज द या सो या बिकॉज इट्स अ क्लब सो वी आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू मैं बैरल मैंशन इज अ वेरी बिग नाइट क्लब सो मैंने थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न पहना, इट्स लाइक अ साड़ी एंड अ गाउन सो या थोड़ा सा अलग पहना। थैंक यू thank you.
हाँ ओकेजन ही ऐसा है जब अपने घर का शादी हो तो नाचने का मन अपने आप कर जाता है, ऊपर से ढोल हो और पंजाबी हो तो लोग तो अपने आप नाच तो अंदर अंदर से निकलता है, ब्लड में बहता है। हमारी एंट्री ऐसी हुई है, सोचिए अंदर कितना धमाल करने वाले हैं हम लोग। 100 times से ज्यादा। Of course and of course best wishes दिल से दी जा रही हैं और ये पिछले 4 दिन से दे रहे हैं, मैं आज आई हूँ देने के लिए। 4 दिन से नहीं, 1 साल से दे रहा हूँ मैं। So yeah. जी एक्चुअल में रीयूनियन हो रहा है बिकॉज हम लोग अलग से नहीं मिलते हैं। Actually, हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, सर से हम मिलते रहते हैं रेगुलरली। मैं एक्चुअली आई एम द वन जो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अलग अलग रहती है, तो ये रीयूनियन भी अच्छा है और बाकी अदरवाइज फ्रेंड से मिलना तो किसको नहीं अच्छा लगता। Of course. कम से कम ही तो 3 से 4 महीने से इंतजार था और एवरी डे मतलब इट वॉज लाइक एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा मन था कि कब कब आएगा वो दिन और जाना है, मतलब रेडी होना है उस सब के लिए। सर आओ ना, आओ ना, रेडी होना है उस दिन के लिए और हम ये सब तैयारियाँ एवरी डे चल ही रही थी और डिस्कशन चल रहे थे यार कि क्या पहनना है, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, ये क्या पहन रहे हैं, वो सब चल ही रहा था कंटिन्यूसली, बातें पूरी चल रही थी। तो बस आज वो दिन आ गया और आज हम इन्जॉय करने आए हैं यहाँ पे। अब मौज मस्ती चल रही है, एक जिस चीज़ की हम लोग इतने दिनों से क्या मतलब महीनों से इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया है और पिछले इतने दिनों से हम लोग सारे मिलके पूरे एंजॉय कर ही रहे हैं, आज एक अलग नाचने गाने का मूड है और सारे के सारे एक शक्ति के सारे लोग आज इकट्ठे हो गए तो इतने मुद्दत के बाद सब मिल रहे हैं तो वो भी एक खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कामयान शलभ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिल तो ले मैंने बता दिया। वी हैव डन दिस ना, करें अच्छा ठीक है। द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग पर दो शब्दों में लव एंड प्रोस्पेरिटी एंड विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टू पीपल हु कम टुगेदर टू यू नो स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ लाइफ। सो ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था स्लैश शॉक था, आई हैव टू गो एंड सी हर बट यस आई थिंक For me, I picked up the color because it has that warmth of winters and I wanted to add some fur to it, so hence the cocktail dress. It is the happiest day of any girl, trust me. I mean, I can absolutely relate to that joy and happiness and great, you know, the gratitude she has right now, and of course it reflects from within. And she's looking so beautiful and so amazing that I wish this glow remains forever with her. Oh yes, I was looking forward for it. बहुत ज़्यादा special है. Exactly 15th of January I stepped out of the show and एक महीना हो गया है. Went into hibernation for 15-20 days and it is so good to see everybody back. I'm so happy. थैंक यू। ये शिमला का घी दूध अभी आया है, सब बाहर आ रहा है। ओ यस, आई मीन इट्स ग्रेट टू गो बैक टू द रूट्स। सो द स्मॉल विलेज अप 150 किलोमीटर्स इन शिमला फ्रॉम वेयर आई बिलोंग चौपाल, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ माई एनर्जी एंड आई ऑलवेज रीविजिट माई विलेज वेन एवर आई गेट टाइम। Thank you. Thank you. बाइट बाइट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ वहाँ पर। हाँ आ जाओ, चलो आ जाओ।
देखो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा तो उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है। हम लोग बिग बॉस में एक साथ होते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं, पर आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लाइफ जो मेन होती है। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है और काम्या ने बहुत सोच समझ गई है, डिसीजन ले लिया है कि मुझे शादी करनी है। एंड वी ऑल शुड प्रे कि वो बहुत बहुत खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल, काम्या के साथ हम ट्विटर पे साथ में जुड़े रहते हैं, हम सेम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इस साल, उन्हें भी सीट पसंद है, मुझे भी सीट पसंद है, तो हम लोग आपस में बातें भी करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो जब उनका कार्ड आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, मुझे व्यक्त किया कि आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में एक लव्ड पार्टनर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अकेले रहना इतना ईजी नहीं है, लोग सोचते हैं हम कर लेंगे, पर इट्स बेटर कि अगर दो लोग हों, एंड इट्स वंडरफुल, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों साथ में मिलेंगे, आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। पिक्चरों में दिखता है, जब रियल लाइफ में होता है तो बहुत खुशी होती है। देखो आपको समझना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग औरत हैं लेकिन उनके लाइफ में कई चीज़ें ऐसी बीती हैं जो यानी वो अपसेट रहती थी ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपकी शादी नहीं चलती या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अब उन्हें समझ में आ गया कि आई हैव मेट माय मैच फ्रॉम हेवन। एंड वैलेंटाइन वीक में शादी कर रही हैं, बिग बॉस के एंड में शादी कर रही हैं, वहाँ भी पता नहीं कितनी शादियों का प्लान चल रहा है, लेकिन ये शादी 100% चलने वाली है। हाँ देखो आपको समझना पड़ेगा, ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत गालियाँ पड़ती हैं हमें ट्वीट करने के बाद, लेकिन सारे फैंस हैं, अलग अलग लोगों के फैंस हैं, हम मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे लगता है ये जीतेगा तो मैं उसके साथ स्टिक करता हूँ, और वो गलतियाँ करते हैं तो भी हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं, पर सिद्धार्थ ने आई थिंक गलतियाँ ही नहीं की, और अगर वो बिग बॉस नहीं जीतेंगे तो मैं बड़ा शॉक्ड हो जाऊँगा आई थिंक। लेकिन सब फैंस को अपना अपना कंटेस्टेंट लगता है जीतेगा, आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, यू एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक विनर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि लास्ट दो तीन दिन में क्या होता है, पर आपको भी देखने को मिल जाएगा क्या होता है। मुझे लगता है शहनाज इज टू मच फन, इस इज सुपर फन टू वॉच हर, हंसी आती है वो, जो भी करे बहुत क्यूट और मज़ेदार है, तो उनका स्वयंवर भी मज़ेदार होगा, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सीड के सिवा ये स्वयंवर में कौन आने वाला है, तो वो बड़ा देखने वाली चीज़ होगी कि बिग बॉस किसको उठा के लाते हैं, क्योंकि बिग बॉस के ही सेट पे आई थिंक स्वयंवर बनने वाला है, तो कमाल होने वाला है। कलर्स वाले बहुत खुश हो गए हैं, वो चाहते हैं पूरा साल तुम लोग बस यही देखते रहो। आप समझ लो 5 महीने के लिए हम जुड़े हैं, सब लोग 10:30 बजे 9 बजे रोज देखते हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाय 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 हाय, तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं इन दैट लिविंग रूम, हमारे वही चलता है तो फैमिली के जैसे हो जाता है, और हम लोग सब फिर दिल से सपोर्ट करते हैं, और जहाँ जाओ बिग बॉस की बातें होती हैं। सलमान भाई भी मुझे लगता है दुखी हो गए हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं लोग बिग बॉस की बात करते हैं, तो दिस इज़ हाउ इट इज़, वी आर अटैच्ड, एंड एंड आ रहा है, तो मे द बेस्ट पर्सन विन। अरे ऑफ कोर्स, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर लाइफ फॉर अ व्हाइल नाउ, बहन बुलाते हैं हम एक दूसरे को, एंड बहुत ही खुश हूँ। आई मीन इतनी खुशी मैंने कभी काम्या की फेस पे कभी देखा नहीं है सिंस शी मेट शलभ, और पहली बार जब उन्होंने मुझे शलभ से इंट्रोड्यूस किया था मैं तो एकदम रोने लगी, और उसने शलभ को बोला, आई टोल्ड यू दैट शी इज़ गोइंग टू क्राई, बिकॉज आई वॉज जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि somebody like Kamya, the kind of person she is, she deserves this and a whole lot more, and I know that he is going to keep her very very happy. And
हाँ बहुत अच्छे फोटोज़ तो आपने देखे हैं लेकिन सब बहुत ही रियल है. टेक इट फ्रॉम मी, इट्स नॉट दिखावा बिल्कुल नहीं है. शलभ ट्रीट्स हर लाइक अ प्रिंसेस. ही यू नो देर इज़ लव एवरी टाइम ही लुक्स एट हर. इट्स जस्ट इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. एकदम दिल से यू नो ही लुक्स एट हर ऑल द टाइम. जस्ट ट्रीटिंग हर लाइक एन एब्सोल्यूट प्रिंसेस. बहुत धमाल होने वाला है. काम्या ने एक्चुअली वेडिंग कार्ड जाने से पहले उसने कहा था कि ये तीन दिन तेरे को रखना पड़ेगा फ्री, एंड एस्पेशली द लास्ट डे 11th को तो इट्स गोइंग टू बी अ पागलों वाली पार्टी. तो देखते हैं कितने पागल हैं अंदर. वेल ऑब्वियसली एज एनी अदर मैरिड कपल आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट. एंड काम्या इज अ वेरी डियर फ्रेंड. मतलब आई प्लेड अ हस्बैंड इन बनू मैं तेरी दुल्हन तो तब का एसोसिएशन है. एंड शी इज़ अ फंटेस्टिक पर्सन. वेरी क्लीन हार्टेड, अ लिटिल आउट स्पोकन. मतलब जो दिल में बोल देती है. बट दैट्स द वे शी इज. सो ऑल द बेस्ट टू हर. हाँ लेके तो आया हूँ, छुपाने की कोशिश कर रहा था. बट या बिकॉज एक्चुअली देयर इज वेरी लिटिल वन कैन गिफ्ट अ पर्सन इन सेंस के आई थिंक काम्या हैज़ गॉट इट ऑल. लेकिन फिर भी एक लगता है कि कुछ तो देना चाहिए. That's it. Thank you. मैं दोनों कपिल. आई कांट हियर एनीथिंग. हाँ आज मैं कपिल को वही बोलना चाहूँगी जो हम सब बोलना चाहते हैं. हम सबके दिल में एक ही बात है. वी ऑल विश देम यू नो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. एंड अभी वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है. इट्स सच अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड सच अ परफेक्ट मोमेंट फॉर देम टू बिगिन दिस जर्नी ऑफ देयर लाइफ. एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीवन राइट नाउ. Well, no surprises. Obviously, the bride is always glowing. Kamya Punjabi herself is always glowing. So obviously, unki wedding pe to wo extra glow hone hi wala hai. It's not unexpected. आज के दिन की एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त थी. बिकॉज यू नो ऑल ऑफ अस वर एक्साइटेड अबाउट सेलिब्रेटिंग हर स्पेशल डे. हमने दोनों को ये कपल को एक साथ देखा है. एंड दे मेक सच अ ब्यूटिफुल लवली कपल. दे सो नाइस टुगेदर, दे सो चीयरफुल टुगेदर. सो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट सेलिब्रेटिंग देयर स्पेशल डे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बधाई बधाई एक ही है कि काम्या पंजाबी जिस तरह की दिखती है रियल लाइफ में वो वैसी है नहीं. तो जिस तरह की वो रियल लाइफ में है उसकी ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए, खुशियों भरी. और जो राजेश खन्ना साहब का डायलॉग था ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो इसकी खुशियाँ वैसी बड़ी होनी चाहिए जैसी हर आदमी सोचता है. और मैं काम्या को 2008 से जानता हूँ, 12 साल हो गए हैं. और शी इज़ माय फर्स्ट फ्रेंड इन मुंबई. और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो बहुत खुश है. जैसी खुशी उसके चेहरे पे दिख रही है वैसा मैं कोट पहन के आया हूँ. और ये खुशी सच में मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी देर बाद आई है. और भगवान उसको ऐसे खुश रखे और इसी तरह ये नूर उसके चेहरे पे बनाए रखे. सो थैंक यू. ओनली बेस्ट ऑफ लक. ऐसे ही खुश रहे हमेशा और हंसती रहे. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सर हाउ आर यू? प्लीज सर, प्लीज प्लीज. क्या लेना? ओह माय गॉड. कैन आई जस्ट कीप दिस हियर? Congratulations to Kamya and Shalabh, and may you have a
very happy married life. Ditto. Wish Kamya and Shalab a beautiful married life. And they look lovely together. हर दुल्हन जो होती है उसके चेहरे पे एक नूर जरूर होता है. दिस इज अ वेरी बिग डे फॉर एवरी ब्राइड, सो इसी वजह से काम्या के चेहरे पे वो नूर है. मैंने फोटोग्राफ देखी नहीं है, सो बट आई एम श्योर दैट शी मस्ट बी लुकिंग गुड. एंड ऑफ कोर्स शादी हो रही है, मतलब होली खेलने तो जा नहीं रही है ना. सो जाहिर सी बात है, जिंदगी में बहुत कम ऐसा मौका होता है. सो आई एम श्योर शी इज़ वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. बल्कि कामया, जैसे मैंने बताया, कामया मेरा 18 साल का रिश्ता है. सो आई थिंक आई विश हर ऑल द बेस्ट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड. अनफॉर्चुनेटली मैं शादी नहीं अटेंड कर पाया, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, बट आज मैं उनको विश करने आया हूँ. एंड आई विश हर वेरी गुड इन फ्यूचर, वेरी बेस्ट इन लाइफ, एंड मे शी ऑलवेज बी हैप्पी लाइक दिस. ये मेरा वैलेंटाइंस कलेक्शन है, मैं हमेशा अनोखा ही तैयार होकर आता हूँ. दैट माई स्टाइल स्टेटमेंट ऑलवेज. आप हमेशा यही सवाल पूछते हैं मेरे से. अच्छा नहीं लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. दिस इज माई वैलेंटाइंस कलेक्शन विच आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड. या सब लोग कह रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला जीतेगा, पर मैं चाहता हूँ शहनाज जीते या रश्मि जीते, मेरी दोस्त हैं. अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मैं स्ट्रेट होता तो मैं शहनाज से शादी कर लेता, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट एंड लवर. एंड बट सब कह रहे हैं सिद्धार्थ जीते, पर जो भी जीते, यू नो ये गेम है, यू नो, पर जो पाँचों विनर्स हैं वो अपने आप में एक विनर्स हैं. बिकॉज यहाँ तक पहुँचना, और इस बार बिग बॉस बहुत लंबा चला है, मैं बिग बॉस में रह चुका हूँ सीज़न 3 में, बहुत टफ शो है एंड बहुत मेंटली टॉर्चर करता है आपको. सो आई थिंक सो लाइक आई मे द बेस्ट कंटेस्टेंट मैन. अरे बड़ी क्यूट है वो यार, बहुत मेरे को क्यूट लगती है. डे वन से वो जैसी है वैसी है. सो आई रियली लव शहनाज अ लॉट एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. एंड आई थिंक जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं. सो अब चीज़ अब एक उसमें एक इनोसेंस है. सो यू नो क्योंकि आप बिग बॉस में बहुत दिन तक फेक नहीं रह सकते हो, सो मेरे को उसका बहुत क्यूटनेस बहुत अच्छा लगता है. रियली ये इसका मेरे को पता नहीं है. ओके मैं तो नहीं जाऊंगा स्वयंवर में फॉर श्योर. भोंदू नहीं होना चाहिए, बिकॉज शहनाज के लिए तो बेबी थोड़ा इंटेलिजेंट लड़का चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटेलिजेंट. हाय बहुत क्यूट लगती है मेरे को दोनों की जोड़ी, बहुत बहुत क्यूट है. वो सिद्धार्थी उसे संभाल सकता है. पारस इज माई फ्रेंड एंड बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है पारस, यू नो, बट ही स्विचिंग, यू नो, घर में कोई बुरा नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को ऐसा बना देते हैं. ओके आपको क्या लगता है पारस की काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि आकांक्षा के बारे में आप जस्ट जानते. आई डोंट थिंक सो, दे आर माय फ्रेंड, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस नेशनल टेलीविजन. रिलेशनशिप चल रहा है कि गड़बड़ है क्या आपको? वो मेरे को नहीं कमेंट करना है इसके बारे में, क्योंकि दोनों मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं. एंड बट आई थिंक वी ऑल शुड गिव देम स्पेस. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. देखो आप लोग दोस्तों, आप सही से बताओ, खराब मत दिखाओ. एक और लोड है, एक और लंच. भूतिया फोटो तो नहीं आ रहे हैं? सोलो साथ में, साथ में बी लॉग के साथ. अच्छा बी लॉग देखते हो कि नहीं? बी लॉग देखते हो? अरे देखते तो अभी तो बोल रहे हैं वैसा लोग. सब्सक्राइब किया कि नहीं मेरे चैनल? अरे सब्सक्राइब है, शेयर किया है. फाइन फाइन.
How are you? Hi. काम्या के लिए बहुत खुश हैं हम लोग क्योंकि काम्या को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और आई नो हर एवरीबडी नोज हर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और काफ़ी कहते हैं ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है लेकिन ऐसा लगता था कि ये काम ही करती रहेगी तो आप पैसा भी कमा लेते हो आप काम बहुत करते हो नाम काम फेम सब कुछ आ जाता है बट साथ साथ में आपकी लाइफ में खुशियाँ एक्चुअली आपका लाइफ पार्टनर लाता है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर काम्या की फाइनली सेटल हो गई काम्या मैंने अभी भी कहा कि मैं काम्या को बहुत ज़्यादा संभावना के ज़रिए जानता हूँ संभावना ने काम्या की बहुत तारीफ़ें की हैं मुझसे और काम्या की जो सबसे अच्छी मेमोरी मेरे पास है वो बिग बॉस में मैंने काम्या का एक टास्क देखा था जिसमें किसी डब्बे के अंदर रहना था और बहुत 44 घंटे कितने 44-45 घंटे काम्या उसमें रही थी तो मुझे तो मतलब वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि मैं तो यही चाहूँगा कि वो लाइफ में सब कुछ डिजर्व करती है उनको सब कुछ मिले और बहुत काम किया उन्होंने लाइफ में तो अब इस मोमेंट के बाद 2-3 महीने का ब्रेक लें और लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करें फिर वापस अपना काम शुरू करें मैंने पिक्चर्स देखी है काम्या की वेडिंग की और इतनी क्यूट लग रही है काम्या यू नो आप कहते हैं ना दुल्हन के चेहरे पे एक्चुअली जो नूर आता है ना वो शादी वाले दिन आता है ये मैं मानती हूँ मैं भी अच्छी लग रही थी मुझे याद है तो कोई और कहे ना कहे ये होता है सच में होता है तो मैंने जो काम्या की पिक्चर्स देखी है शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इतनी खूबसूरत बहुत ही सिंपल वो तैयार हुई है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो लेकिन संभावना को अपनी शादी के पिक्चर में शर्माने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे तो बहुत मेहनत मैं आई नहीं रही थी शर्म मुझे याद है ब्लॉग्स की बात करें तो यस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और लोगों को ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर बिकॉज बिग बॉस चल रहा है तो ट्विटर पे सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं तो मैं भी मुझे पूरा हक है एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं हमें पूरा हक है कि हम ट्विटर पे जो लिखना चाहें जो बोलना चाहें बोले मैं बोलती हूँ यस मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं थी इनिशियली ये मैंने देखना जब शुरू किया था तब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अग्रेसिव है लेकिन जब मैंने बाद में देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बहुत कम अग्रेसिव है बाकी कहीं ज़्यादा गेम खेल रहे हैं सो आई फाउंड सिद्धार्थ गुप्ता सिद्धार्थ शुक्ला टू बी वेरी वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी नाइस गाय तो वो तो अब देखो ये सारी चीज़ों से अब हम लोग हट के बात करेंगे कि ये पोक करता है वो करता है ये गेम खेलता है अब उसका टाइम नहीं है अब टाइम है फिनाले एरा अपने अपने फेवरेट्स को वोट करो मेरा फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला है मैं उसको वोट करूँगी मेरी फेवरेट शहनाज गिल है मैं उसके लिए वोट करूँगी दैट्स इट मैंने अभी भी सुना ऐसा हाँ आई डोंट नो अब वो तो स्वयंवर में क्या होगा मालूम नहीं लेकिन मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही देखना चाहती थी उसको मुझे लग रहा था ये दोनों तो आपस में करेंगे शादी तुम तो बाद में मिलो बात करते हो उल्टे सीधे क्वेश्चन करता रहता है हम क्यों जज बनेंगे हम कौन होते हैं जज बनने वाले जज कुछ भी हो अगर शहनाज है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए अकेली काफ़ी है एंड ऑन अ सीरियस नोट आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला टुगेदर तो चाहे वो शो में हो चाहे स्वयंवर में हो चाहे किसी में भी हो सिडना साथ में हो दिखने ज़रूरी है थैंक यू सो मच तो मैं हूँ संभावना सेठ और आप मेरा चैनल संभावना सेठ एंटरटेनमेंट को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको काटना मत यूट्यूब पर Thank you.
तैयारियां तो ऐसी थी भैया, काम्या पंजाबी की शादी है शलभ डैंग जी के साथ, तो बस तैयारियां तो थी। हम लोग शूट भी करते थे और हम लोग सोचते थे क्या पहने रिसेप्शन के दिन, शादी के दिन। फाइनली मेहंदी भी थी, शादी हुई, अब हम रिसेप्शन में आ गए। और आप लोग ने कह ही दिया है कि भाई हम तीनों बड़े अच्छे लग रहे, तो बस हम लोग सफल हो गए अपनी मेहनत में। पर तैयारियां बहुत दिनों से चल रही है बाप, महीनों से चल रही है। पूरे साल से कुछ ना कुछ डिस्कशन तो चल ही रहा है। यस आई नो, मैं शादी तो अटेंड नहीं कर पाई उनकी मेन, लेकिन She was looking like a queen. Yes, एकदम, definitely. और विशेष तो है, बस हम मैंने तो कल ही कहा था, इतनी प्यारी जोड़ी लग रही थी उनकी कि बस ऐसे है कि नजर ना लगे, तो बस यही था, मैं सिर्फ दोनों को ही देख रही थी। और बहुत अच्छे से शादी हुई और यही दुआ करेंगे कि लाइफ टाइम खुश रहे, खूब इंजॉय करें और उनके दोनों बच्चे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों बच्चों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो जब बच्चे आपस में इतने घुल मिल गए हैं तो भाई पेरेंट्स तो मतलब ये तो खूब एंजॉय कर सकते हैं लाइफ, खूब खुश रहे, एक दूसरे से बहुत प्यार करें। यस क्या होने वाला है? यस शक्ति का रियूनियन है। हमारे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रैक आया होता है, जैसे मेरी बहुत प्यारी दोस्त है अमृता, वो अंदर है अभी, मैं उनसे मिलूंगी। और काफी सारे लोग हैं, अभी तो जिज्ञासा भी आएगी, हाँ, क्योंकि रुबीना भी अंदर ऑलरेडी, रुबीना भी अंदर होगी, विवियन भी आएगा, और हम लोग भी बहुत दिन से शूट नहीं कर रहे हैं, तो हम भी जाएंगे अंदर, हम भी सबसे मिलेंगे। थैंक यू। ओके चलिए, एंड आई थिंक जितना स्ट्रांग वो टीवी पे पोर्ट्रे करती है रियल लाइफ में, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और शी इज अ डियर फ्रेंड एंड मैं बहुत खुश हूँ काम्या के लिए। एंड बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था लाइफ इंडियन टेलीविजन पे, तो राजीव ठाकुर और काम्या ये वो दो लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे बहुत पुश किया था। तो आई थिंक ऐसे वक्त में मेरे मन से दुआएं और ज़्यादा निकलेंगी। और आज की जनरेशन के बच्चे बहुत लकी है कि मम्मी की शादी देखने को मिल रही है उनको। एंड मेरी तरफ से काम्या को, पूरी फैमिली को बहुत बहुत दुआएं। एंड मैं चाहता हूं कि वो लाइफ में हमेशा खुश रहे और ऐसे ही हमेशा डेयरिंग और स्ट्रांग रहे। जी मेरे से जब से खतरों का प्रोमो ऑन एयर हुआ है, मेरे सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं, भाई कौन जीता। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अभी फिनाले शूट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ये ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे दोस्त बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि अभी फिनाले शूट नहीं हुआ है। और एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बींग ए स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों को लगेगा शायद कि मैं शो में उतना सीरियस नहीं रहूँगा, बट मैंने बड़ी सीरियसली, बड़ी ऑनेस्टी के साथ स्टंट किए हैं। एंड एक्साइटेड हूँ बट नर्वस भी हूँ, क्योंकि बिग बॉस जब खत्म होगा, हमारा शो शुरू होगा, और बिग बॉस की रेटिंग आप लोगों को पता है कि यहाँ तक पहुँची हुई है, और उसको टच करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मेरा बहुत पुराना सपना था कि कोई ऐसा शो करूँ, और चॉपर से गिरा भी हूँ मैं, आग में जला भी हूँ मैं, रोया भी हूँ, हंसा भी हूँ, बट इवेंचुअली शो में बना रहा हूँ। एंड जब आप शो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड प्लीज़ देखिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा। जी कीड़े मकोड़ों से भी दोस्ती हो गई है, और थोड़ा हाइट से डर लगना बंद हो गया है, लेकिन पानी से जो मेरा डर था वो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि पानी के अंदर उतरना बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरे को स्विमिंग करनी आती नहीं है,
बट हाँ, काफ़ी चीज़ें मैंने जो है अपने डर ओवरकम कर ली हैं, स्पेशली कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप। पहले एपिसोड में यहाँ पर बिच्छू ने काटा था, और मधुमक्खियों से लेके सांपों से लेके मेरे साथ जो जो हुआ है आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। टॉप 3 में तो आप ही हैं। आपको किसने बताया ये? आपके अच्छा आप और करी करी, ओ माय गॉड, योर फेवरेट करी। देखिए जी, अब अगर आपके सूत्रों ने आपको बताया तो गलत तो नहीं बताया होगा, बट मैं अभी क्या बताऊं आपको। देखो मैं कुछ बोल दूंगा, कल को वैसा नहीं हुआ तो आप लोग ये क्लिपिंग के मीम्स बना बना के चलाएंगे, जैसे मनोज तिवारी की ट्वीट चल रही है ना कि मेरा ट्वीट संभाल के रखना, दिल्ली में 45 सीट आएंगी, ये सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं सब फेक हैं, तो उनके ट्वीट आज पूरे ट्रोल हो रहे हैं। तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं टॉप 3 में हूँ, बाद में पता चले कि मैं नहीं हूँ तब भी आप मेरी जान निकालोगे, और अगर मैंने बोल दिया मैं हूँ और मैं निकलूँगा तब बोलेंगे अरे ये तो रिजल्ट हमको पहले से पता चल गया था, क्या एक्साइटमेंट बचा व्यूअर के लिए, आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और लोगों ने उनको वोट डाल के जितवाया है, एंड आई होप कि वो दिल्ली के लिए इतना अच्छा काम करेंगे, पूरी कंट्री में एक एग्जांपल सेट हो, एंड जो जीत गए उनको दुआएं, जो हार गए हैं उनको ये बोलेंगे भैया थोड़ा देखो कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों को क्या चाहिए और उनके ऊपर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, वो हमेशा खुश रहें, और मुझे पहले से मैं अच्छी तरह से उनको नहीं जानता था, बट हम लोगों ने अभी साथ में शो कर रहे हैं तो उनको जानने का मौका मिला। मुझे एज एन एक्ट्रेस तो हमेशा से वो बहुत अच्छी लगती थी, और एज ए ह्यूमन बीइंग उनसे मिलने के बाद लगा कि वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उससे ज़्यादा अच्छी ह्यूमन बीइंग है, तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शादी की, और मेरी तरफ से और मेरी परी मेरी वाइफ शेफाली की तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ऑफकोर्स यार, शादी तो एक ऐसी है होती है कि जिसमें हर लड़की के अंदर आई डोंट नो, मतलब वो नेचुरल होता है यार, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत नेचुरल होता है, और वो वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, और अभी तो डेफिनेटली, तो बस गॉड ब्लेस देम, हमेशा खुश रखें और ऐसे ही रहें। यार ये कुछ नहीं, अरे मेरी बीवी जब आ जाती है ना तो वही सब तैयार करती है मुझे, तो उन्होंने ये सब कुछ किया है कि भाई ये पहनना है वो पहनना है, मैं तो सिर्फ आता हूँ शूट से और उन्होंने रेडी करके रखा हुआ था आपको ये पहनना है और मैं पहन के आ जाता हूँ। ये भाई बोलते ना शादी में खुश रहने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, जो बीवी बोले वही करो। यार एक्चुअली उनको कहीं जाना था, उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन उनके बचपन का एक फ्रेंड मित्र है जो साथ में कॉलेज में स्कूल में साथ में पढ़े हैं, उनका जन्मदिन था और मैं शूट से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमने कहा कि एक जगह आप कर लो एक तरफ मैं चला जाता हूँ, तो इसलिए नहीं आ पाए वो। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा बॉम्ब मतलब इंडिया में आई थिंक आज दिल्ली में कौन जीता वो किसी को शायद इतना लोग नहीं क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है बिग बॉस, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छा सक्सेसफुल सीज़न रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बिग बॉस को देखने में। अगर आप मेरा पर्सनली पूछें कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन है इस टाइम पे, तो मुझे सिद्धार्थ लगते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने कंप्लीट पैकेज है वो बेसिकली हर इस शो के अंदर, उन्होंने फ्रॉम द डे वन उन्हें एग्रेशन भी दिखाया है,
उन्होंने अपनी टीम के लिए खड़े भी हुए हैं जब भी ज़रूरत आई है, उन्होंने एंटरटेन भी किया है सबको और बहुत ज़्यादा कंपैशन भी दिखाया है लोगों के प्रति। आपने देखा होगा जो देवोलीना वापस आई थी कनेक्शन के, उसमें तो उनको चोट थी, वो उनको उठा के लेके गए थे, तो वो कंपैशन आई थिंक पूरे घर में उस इंसान ने दिखाया। तो आई थिंक जो कंप्लीट पैकेज है वो सिद्धार्थ शुक्ला है और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली सिद्धार्थ शुक्ला जीतें और बाकी तो फिर जनता के हाथ में। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, मैं उनसे एक्चुअली इस बारे में बात ही नहीं हो पाई, मेरा शूट काफ़ी नायागांव जाना पड़ता है आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली मुझे शूट करने में। हाँ नहीं बट मज़ा आ रहा है यार, जब एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है ना तो सब थकान दूर हो जाती है। तो मेरी अभी बात नहीं हुई लेकिन डेफिनेटली मुझे भी उम्मीद है कि उनकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो होगी 100%। यार मुझे पता नहीं, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है उस शो के बारे में। मैंने आज कहीं पढ़ा कि शहनाज और पारस दोनों आने वाले हैं, कहीं पढ़ा मैंने, आई डोंट नो। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा डेफिनेटली देखने में, क्योंकि शहनाज अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और वो शी इज़ हर सेल्फ इन द शो और बहुत ही मज़ा आता है उनको देखने में। आई थिंक स्वयंवर जब होगा तो अच्छा, भगवान करे कि उनको उनकी पसंद का लड़का मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मैंने वही बोला, मैं काम्या को बहुत सारी दिल से बधाइयाँ देना चाहती हूँ। काम्या की ये पूरी जो जर्नी है वो मैंने विटनेस की है, क्योंकि ये जर्नी शुरू हुई थी शक्ति से, जब काम्या ने बोला कि यार अब ऐसा लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए, और मैंने बोला कि यार मैं शक्ति में तो आपकी देरानी प्ले करती हूँ, तो मैं शादी में भी एक देरानी की तरह आपको बोलूँगी कि आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आपने शादी के बारे में सोचा। और शादी के बारे में सोचा उसके बाद काम्या ने ढूंढना शुरू किया और फाइनली उसको मिला शलभ डैंग। सच अ स्वीट हार्ट, सच अ डार्लिंग पर्सन, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ग्राउंडेड। तो मैं काम्या के लिए बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। 3 साल की इस जर्नी में हमने उसको वो सारी चीज़ें एक साथ करते हुए देखा, तो अब फाइनली शी इज़ गेटिंग मैरिड, उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारी सबके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो वी ऑल लव हर एंड वी ऑल विश हर लॉट्स ऑफ लक। थैंक यू। वेल, तो ऑफकोर्स जैसे आपको पता है कि मैं शक्ति में शन्नो, अब तो दादी हो गई हूँ, शन्नो दादी प्ले करती हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ जिससे ये ना लगे कि मैं दादी जैसी हो गई हूँ। तो मैंने एक ब्लैक गाउन पहना है, सो आई एम वेयरिंग अ ब्लैक गाउन एंड आई हैव डन अ लिटिल बिट कर्ल्स विद माय हेयर एंड जस्ट इन माय मेकअप। यस, शक्ति का मतलब जो लोग चले गए हैं शक्ति के शो से, जो पुराने थे, जो बच्चे थे, जो बड़े हो गए हैं, वो सब आज होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हम सब मिलने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम। फ्रेंकली आई डू फॉलो बिग बॉस, आई लव बिग बॉस एंड यस माई फेवरेट इज सिद्धार्थ। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुड विन द शो। सिद्धार्थ अग्रेसिव है बट द थिंग इज वॉट यू नो, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, वो बंदा दिल से बोलता है, दिल से बिहेव करता है, उसमें कहीं भी कोई भी फेकनेस नहीं है, तो लोगों को शायद वो रूड लगता है पर मुझे लगता है कि दैट इज़ अ करेक्ट ह्यूमन बींग। शहनाज गिल, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, नो डाउट, शहनाज इज़ डूइंग वेरी गुड, वो शो को बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दे रही है, वो बहुत आई थिंक वो फाइनलिस्ट तक तो पहुँचेगी, बट बिकॉज आई वॉन्ट सिद्धार्थ टू विन आई थिंक शहनाज शायद लास्ट मिनट पर ना जीत पाए। पारस ही इज़ गुड बट ही इज़ मैनिपुलेटिव अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच। शलभ को यही कहना चाहूँगी, यही दुआ देना चाहूँगी कि सच में अगर कोई खुदा है तो मैं यही दुआ दूंगी कि उनकी रातों से कभी भी कोई तारा ना टूटे। शाला जवानियां माने, तरक्कियां पाए, खूब सारी खुदा उनको सेहत याबी बख्शे और खुशियां बख्शे, बरकत बख्शे। मैम बिग बॉस का फिनाले आ रहा है, आप कितना फॉलो करें बिग बॉस को?
ऑनेस्टली मैं बहुत ही कम फॉलो कर पाती हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे और शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है मेरा, तो यस ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला है। यस जहाँ तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया है इज नाइस गाय, थोड़ा हाइपर हो भी जाता है, बैलेंस भी कर लेता है, काफ़ी क्वालिटीज़ हैं उसको, मैनिपुलेशन काफ़ी अच्छी कर लेता है वो बिग बॉस में यही चाहिए होता है इनफैक्ट यस ऑफ कोर्स, अदरवाइज बिग बॉस में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, यही स्किल तो देखनी होती है बिग बॉस में आई थिंक सिद्धार्थ 1 to 10 सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। ये मेरे बच्चे हैं, थोड़ा डांस कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं? आ रहा है वो। प्लीज कमिंग यार, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम लोग एक एक घंटा बाहर मत रखो यार, एक डांस हो जाए, सवाल करो और अंदर दीदी का बाहर आना पड़ा लेने के लिए, क्या करूं? अंदर बहुत डांस हो रहा है, बहुत ढोल बजे कि नहीं बजे, थोड़ा डांस साथ में अच्छा लगेगा, मेरी हील मैम डांस चलो लेट्स गो अंदर, चलो 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 एक नहीं लेट्स गो इनसाइड, चलो 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 नो 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 ऑल आर वाचिंग इट एंड इट्स रियली नाइस एंड आई कुड सी हर दैट हैप्पीनेस कमिंग आउट यू नो एंड आई शी इज ग्लोइंग विद इट, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन एंड hug her tight and say ki I'm so happy for you, so have a brilliant life and this is what you were meant for, you will get everything what you deserve. You know mujhe itne messages aaye jaisi jaldi aap you have to dance and I'm like yeah main aa rahi hu, so yeah because I have a baby and I don't have a babysitter, so main set karke kaise aayi hu, I know I'm late but I have to really rush in and have fun. Thank you so much. आज ही आए। अच्छा क्या? अब विजुअल करने। कुर्बान हुआ, जी टीवी का शो। शो कोई है। बंडे ले। क्या हुआ पहला? मैं यार। मैं बता। मैं कसम से बताऊं तुम लोग मानोगे नहीं पर मेरे को खुद नहीं पता लग रहा कि कैसे हुआ है। क्योंकि हाँ वो इतनी बार गिरती हूँ योगा करते हुए कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चोट। पहले शॉट ले लो ना। शॉट ले लो। पहले शॉट ले लो। ले लो ना भाई। भाई रुक गया आपसे, वहाँ बोल रहे बस मेरा रोल है। हेलो सर, माशाल्लाह वजन काफ़ी कम कर लिया रोल भाई। भाई। शादी की फोटो मिला ले और अभी रोल भाई। वेल कामया की शादी तो हो गई एंड मैं उसको आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई वांट टू विश हर फॉर हर न्यू मैरिड लाइफ, सो या दैट्स इट, थैंक यू। बहुत देर से देख रही हूँ इंटरव्यू देते हुए। Hello. How are you? So fun. Really, not at all. Hi. हाँ
मुझे चारों, क्योंकि शादीशुदा कपल यहाँ पर है दो दो। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, ये बात हुई ना, बोले मेरे को भी भेज दे। हाँ मैं भेज दूँगी। हाँ जी, हाँ जी, बाइट आप दे दो। बाइट कैसे हो तुम लोग? कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुम लोगों को देख के। I'm leaving। क्या गाड़ी आ गई मेरी? गाड़ी आ गई। क्या ठंडा है? See you soon। ठीक है तू? कैसा लग रहा है? क्यों? क्या? कितनी? लीवर एक ही होता है। बोल रहा एक गया है। तो मुझे लगा एक गया तो किडनी। मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे सबसे गया है दारू नहीं पी सकता मैं। हैं? हैं? क्या 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 तू क्या कह रहा है लेकिन? आओ चलो अंदर भी जाना है यार। आओ चलो अंदर भी जाना है भाई। समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो क्या कह रहा। मेरे को कई सालों से इंतजार था भैया कि हमारी जिम्मेदारी हम किसी को सौंप दें, तो शलभ ने ये काम अपने कंधों पे ले लिया। हम बहुत खुश हैं इस बात से। वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स वेरी यू नो आई मीन स्ट्रॉन्ग लड़की को हैंडल करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। उसके लिए स्पेशल गुण चाहिए होते हैं। एक गुणवान ये है ना? और एक शलभ है। यस, सो वी विश देम ऑल। अरे खूब सारी बधाइयाँ इन दोनों को। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी को यही बता रहा था कि शलभ के साथ मैंने थोड़ा अपना बॉय टाइम स्पेंड किया है, तो ही इज़ अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छे इंसान है एंड कामिया को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। और यही है दोनों के लिए यार कि खुश रहें, मस्ती करें और खूब लाइफ इंजॉय करें अपनी। देखा कितना अच्छा मैंने सिखा दिया बोलना। एकदम रट के एकदम। अभी अभी That's a great compliment. Thank you. यार, हम चाहते हैं ऐसी रहे, 30 साल बाद भी, 3 साल हो गए, है ना? आप लोग दुआ करो। आप लोग तो इतनी शादियों में, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इतनी शादियों में कोई पंडित नहीं गया होगा। जितने तू गया है। अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात है। किस्मत या तो ब्राह्मण को मिलता है शादी की दावत, या देख तेरे को। लसन खाया कर सुबह उठ के, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो। मैं बस अब बाबा बन गई हूँ, बाबा इन अ बेब्स बॉडी, तो अब मैं योगा करती हूँ, गिरती पड़ती रहती हूँ, हैंड स्टैंड कर रही होते धपाक से। और इनकी इतनी आदत है ना कि मैं अगर कहीं योगा कर रही हूँ और ये जिम में है, तो इनको बहुत आके इनका मन करता है कि मैं बीच बीच में देखूँ मेरी बीवी ठीक तो है, कहीं उलझी तो नहीं है अपने किसी आसन में, तो मैं खोल दूँ। तो ये सडनली कहीं से आ जाते हैं और मैं आई थिंक इन्हीं को देख के स्टार्टल हुई हूँ और गिरी हूँ। मेरी गलती तो मेरी नहीं, गलती नहीं। देखो स्टोरी में तुम्हारा योगदान बहुत जरूरी है, उससे उसको चार चांद लग जाते हैं स्टोरी को। करेक्ट, कि ये आए इन्हें देख के मेरा ध्यान टूटा, मैं गिरी, मेरा घुटना टूटा। सही है यार, फिलहाल तो इतना सूजा हुआ है ना, उसको हमने थोड़ा पट्टी वट्टी लगाई है और ये सब किया है, तो लेकिन तेरे पेट से ज्यादा सूजा हुआ नहीं है मेरा घुटना। ऑलमोस्ट वैसा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल। तेरा कैमरा हिल रहा है, तू हंसता है, हंस मत ज्यादा। शादी नहीं हो रही है मैडम। तू आया कर, शादियों में होता है ऐसा मेल मिलाप ना, शादियों में मिल जाती है कोई। तू यहाँ छोड़, तू कैमरा उसको पकड़ा, अंदर चल तू भाई साहब, वहाँ देख, पक्का ले चलूंगी, चल। उसको शॉट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे वहाँ से अंदर। हाँ तू पक्का, मैं तुझे लेके चलूंगी, तू वहाँ पर लड़कियों को ये बोल मैं बहुत अच्छी फोटो खींचता हूँ, फिर देखते थी शादी कितनी जल्दी होती है। आजकल यही जमाना है। चलो चलो, आजकल क्या है, लड़कियाँ खुद इतनी सर्वगुण संपन्न हो गई हैं, उनको पति सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि अच्छी फोटो खींच दे। थैंक्स, तेरे लिए ये।
हाँ जी हाँ जी, थैंक यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव, मुझे बड़ा मजा आया तुम लोग इतने दिन बाद मिलकर। दारू पीता ये, लेकिन छोड़ दिया, नहीं पी सकता। ठीक है, अगर पीता भी है तो कोई बात नहीं यार, और अगर पीता भी है तो इतना फिट है, देख उसको, वो देख कितना फिट है। बीमारी है, बीमारी है, एकदम फिट एंड फाइन।